फ्रेंड्स, आज जो हम वीडियो बना रहे हैं वो है दूध के टेस्टिंग से रिलेटेड। आज जो मैं पैकेट दिखाना चाह रहा हूँ ये है मधुसूदन का दूध, और टेस्टिंग करने का पर्पज ये है कि एटलीस्ट हमें आइडिया रहना चाहिए जो हमारे घर पे दूध आ रहा है उसकी गुणवत्ता कैसी है, क्वालिटी कैसी है, मिल्क कैसा है, कहीं भाई नकली मिल्क तो नहीं आ रहा। तो फिलहाल आज मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आज जो डेट है वो है 1 अप्रैल 2021, और ये है मधुसूदन का दूध। तो मैं आपको थोड़ा बहुत दिखा भी देता हूँ, सील्ड पैक है इसमें। ये देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो डिटेल है सारी की सारी, यहाँ से लेके यहाँ तक दिखा दीजिए, पूरी आ रही है इसके अंदर डिटेल। तो एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो दूध है, जैसे हम शॉपकीपर से लेते हैं तो उनपे तो हमें पूरा ट्रस्ट है, और जो लड़का देने भी आता है वो भी बंदे पे ट्रस्ट लगता है। अब पीछे से दूध कैसे आ रहा है हमें क्या पता, तो मोस्ट प्रोबली देखा है कि घर पे बच्चे भी होते हैं, अडल्ट भी होते हैं, बड़े बूढ़े होते हैं, और दूध एक ऐसी चीज है, एक नेसेसिटी है, तो अगर मिलावटी दूध आ जाए तो दिक्कत की बात हो सकती है। तो फिलहाल मेरा जो पर्पस है, मेरे घर पे दूध की क्वालिटी कैसे आ रही है मैं चेक करना चाहूंगा। और अभी मैंने जो किट बाय करी है अमेजोन से, वेरी प्योर का किट है वो बाय करी है मैंने, तो फिलहाल इसमें हम और इसका टेस्ट करेंगे। मैं टेस्ट करने का तरीका बताने की कोशिश करूंगा अपनी तरफ से, थोड़ा बहुत मैंने इसका रीड किया है तो एटलीस्ट आपको बेसिक आइडिया लग पाएगा। और मेन बात क्या है, देखो टेस्ट करना जरूरी इसलिए है कि अगर आप अभी जैसे अगर आपके परिवार में बच्चे हैं, ठीक है, उनको अच्छा मिल्क नहीं मिला, कोई गलत चीज मिल गई, तो आप समझ सकते हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो फिलहाल ये सील्ड पैक है, आज 1 अप्रैल की डेट है, और मधुसूदन तो वैसे भी वन ऑफ द बेस्ट मेरे को लगता है। उसका रीजन क्या है, ये फुल क्रीम दूध है, ठीक है, तो जो इसकी मलाई की क्वालिटी है, जैसे हम इसको उबालते हैं दूध को, गर्म करते हैं मिंटू से, तो उसकी जो मलाई की क्वालिटी काफी अच्छी है, दूध पीने में अच्छा लगता है, चाहे शेक्स ले लो चाहे आप जो भी है, चाय वाय वगैरह बनाने में अच्छा लगता है। इनके दूसरे प्रोडक्ट भी काफी अच्छे लगते हैं, बट फिर भी क्वालिटी ऑफ कंटेंट देखने के लिए वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाए तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। फिलहाल ये मैंने इसको थोड़ा बॉक्स करके ओपन करके रखा है, मैं आपको तरीका बताऊंगा कैसे करना है। और एक चीज का ध्यान रखना, इसमें रिक्वायरमेंट सजेशन ये दिया जाता है, एक तो आप दूध में कोई पानी वानी ना मिलाएं आई मीन टू से जो आप टेस्ट कर रहे हैं। सेकेंडरी, दूध जैसे जिस फॉर्म में आ रहा है उसी फॉर्म में ही टेस्ट करने की कोशिश करें। तो फिलहाल मैं एक काम करूंगा, थोड़ा सा मिल्क लूंगा, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, एटलीस्ट बेसिक आइडिया मेरे को भी रहेगा ना कि भाई दूध कैसा आ रहा है घर पे। तो और जो ओपन दूध आ रहा है उसमें तो मेरे को ज्यादा ही डर लगता है, तो फॉर अ सेफर साइड मैं तो पैकेट वाला दूध प्रेफर करता हूँ, हर एक का अपना होता है। इतना आई थिंक बहुत ज्यादा हो जाएगा, बट ठीक है, टेस्टिंग पर्पज के लिए मैं यूज कर रहा हूँ, और इसको हम साइड में रख देते हैं। अब निकालते हैं, पहला तो ये देखिए, पहला जो रिजल्ट है वो है डिटर्जेंट से रिलेटेड, ये स्ट्रिप है, तो पहले मैं दिखा देता हूँ उसमें क्या क्या है, आप जो देखिएगा। ये किट आती है, ये मतलब ड्रॉप लेने के लिए, और ये वाली जो किट देख रहे हैं ना आप, ये वाली जो किट देख रहे हैं डिटर्जेंट वाली, इसमें बस एक ही ड्रॉप डालना है, और इसका जो है 2 मिनट तक का वेट करना होता है, और बाकी इसमें अगर ग्रीन रहे तो बेस्ट है, क्योंकि इसमें यानी कि डिटर्जेंट नहीं मिला हुआ दूध का, दूध के अंदर आई मीन से, तो वो खोलेंगे। और बाकी ये देखिए, थोड़ा यूरिया का टेस्ट करेंगे, न्यूट्रलाइजर का टेस्ट करेंगे, बोरिक एसिड का टेस्ट करेंगे, स्टार्च का टेस्ट करेंगे। उसके पीछे ना इन्होंने ये किट किट में टेस्ट करने के लिए हम एक बाय एक करके देखेंगे, तो फिलहाल मैं दिखा देता हूँ, ये देखिएगा, जब हम टेस्ट करने लगेंगे ना तो इसमें बता रहा है ये कलर आ रहा है तो बेस्ट है, ये कलर आ रहा है तो बेस्ट आ रहा है, ये आ रहा है कलर, मतलब ये जो है कलर बेस्ट है, यहाँ पे ये मिलावट का खेल हो सकता है अगर हुआ तो। तो फिलहाल अभी हम एक काम करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, पहले इसको हम डिटर्जेंट की जो स्लिप है माइमिटी से, जो भी किट का हिस्सा उसको लेते हैं। और फ्रेंड, अगर आपको ये किट बाय करनी हो ना तो मैंने डिस्क्रिप्शन में ना लिंक दे दिए होंगे, इसके अलावा और भी होंगे, वो भी आप देख के टेस्ट कर सकते हैं। देखो मेन बात क्या है, पैसा सेकेंडरी है, लाइफ पहले है, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, तो आप घर के लिए टेस्ट जरूर करके देखिएगा। अब ये देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, पुट वन ड्रॉप हेयर, तो यहाँ पे आपको ड्रॉप डालनी है, कई लोग गलती से उस तक यहाँ ना डाल दें, तो आपको बस एक ही ड्रॉप डालनी है, आपको एक ही ड्रॉप डालनी है, एक चीज का ध्यान रखिएगा। तो फिलहाल अभी मैं इसको इसमें ड्रॉप में डालते हैं, ये इसे लेंगे हम मिल्क, और बस ठीक है, अब टेस्ट का आइडिया लगेगा अपने को, एक ही ड्रॉप डालनी है बस, इस चीज का ध्यान रखिएगा।
ये देखिएगा, अब मैंने एक ड्रॉप डाल दिया है। अब इसके लिए हमें ना 2 मिनट का वेट करना पड़ेगा। तो इसको डाल दिया। अब जो ये जो ट्यूब है ना, अब इसमें जैसे कि आप देखेंगे ट्यूब है, इसको 2 मिनट तक चलने दीजिए दूध को, स्ट्रिप को। तो देखते हैं अब इसके, इसमें अब हम करेंगे, अब ये है यूरिया। अब इसमें जो है यूरिया, अगर आप देख रहे हैं तो इसमें हम यूरिया टेस्ट करेंगे। तो इसमें कहा जाता है कि 10 मिनट, इन सब के लिए ना 10 मिनट वेट करना पड़ता है, 10 मिनट। और ड्रॉप कितनी डालनी है? 5 ड्रॉप डालनी है, ठीक है, 5 ड्रॉप्स डालनी है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए अच्छी वीडियो बनाने के लिए, एटलीस्ट आपको बेसिक आइडिया रख पाए। आपके लिए मैं वीडियो कैसे बना रहा हूँ अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर देना, और ये जो वीडियो है ना अपने फ्रेंड सर्कल में इतना शेयर करो, एटलीस्ट हर एक को आइडिया रहे कि टेस्टिंग करनी जरूरी है। भाई आज के टाइम में हर एक पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, आई मीन टू से, जो अपने तो अपने ही है। अब जहाँ से मेरा सोर्स आता है मिल्क, उसकी वो तो उन पर तो पूरा ट्रस्ट है। अब ये देखिए, अब इसमें 5 ड्रॉप डालेंगे हम, 1 2 3 4 5, 5 ड्रॉप होगी। अब इसको करते हैं साइड पे, यहां रख देते हैं। अब ये देखते हैं, अब चेक करते हैं ये फ्रेंड, ये देखिए इसको टेस्ट कर रहे हैं। इसमें भी हम 5 ड्रॉप लेंगे, एक दो तीन चार पांच, ये होगी 5। इसको भी हम थोड़ा हिला लेते हैं और 10 मिनट के लिए वेट करने के लिए रख देंगे दो। अब इसके बाद है बोरिक एसिड का टेस्ट, ये देखिएगा बोरिक एसिड का टेस्ट है करेंगे। इसमें वही 5 ड्रॉप लेनी है और 10 मिनट के लिए हमने छोड़ देना है। वन टू थ्री फोर फाइव, 5 ड्रॉप इसके भी ले लिए। इसको भी यहां रख देते हैं, यहां रख दिया। अब काम देखते हैं, ये क्या है स्टार्च टेस्ट करने के लिए। तो फ्रेंड मैं आपके लिए जो वीडियो बना रहा हूँ कैसा लग रहा है अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आपने किट ऑलरेडी यूज करी हुई है उसको भी आप फीडबैक दे सकते हैं, और ये जो वीडियो है हर फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करो, एटलीस्ट सबको आइडिया लगना चाहिए ना। ये देखिए अब इसमें हम 5 ड्रॉप डालेंगे, 1 2 3 4 5। तो अभी क्या किया, अभी हमने इसमें 5 5 हमने ड्रॉप डाले हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 10 मिनट का वेट करना है, और इसको भी हम यहां रख देते हैं। और दिखाइए, अब ये काम करते हैं, अब हम 10 मिनट का वेट करेंगे इन सब के लिए। वीडियो थोड़ा फ्रेंड बड़ा हो जाए तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, बट मैं वीडियो आप ही के लिए बना रहा हूं ना, इसको छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं ऐसे। देखते हैं सेट हो जाए अच्छी तरह किसी तरह, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, और होपफुली, एक सेकंड बस, और बस 10 मिनट का वेट करेंगे और फिर देखते हैं रिजल्ट कैसा रहता है। वन बाय वन देखेंगे जाके, और पूरा आइडिया लग जाएगा कि भाई कोई दिक्कत की बात तो नहीं है या जैसे। तो लेट्स सी, वी शुड वेट, देखेंगे कैसा रहेगा कैसा नहीं। और चलो अभी 10 मिनट का वेट करते हैं, वीडियो चलने देते हैं।
फ्रेंड 10 मिनट का 10 मिनट से ऊपर हो गया, तो फिलहाल अब चेक करते हैं स्ट्रिप को, ठीक है, एक एक करके देखते हैं, फिर आइडिया लगेगा। यहाँ पे आइए जरा एक बारी, यहाँ पे आइए, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। और फ्रेंड थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, अगर बीच में कोई घंटी बज रही हो तो उसको इग्नोर करिएगा। यहाँ पे दिखाने की मैं कोशिश करता हूँ, आप देखिएगा, अगर हम कलर को देखें तो समहाउ गुड मिल्क जैसा मिलता जुलता लग रहा है। ये देखिए, इससे कलर मिलता जुलता लग रहा है, ये देखिए। तो मेरे हिसाब से तो ये ठीक लग रहा है, आप बताइए आपको कैसा लगा। डिटर्जेंट का है ये टेस्ट, पहला जो है वो लगता हुआ लग रहा है कि ऑलमोस्ट मिलता जुलता लग रहा है देखा जाए तो। और चलो बाकी एक बारी देखते हैं, आप इधर आइए, मतलब और भी दिखाना ही है। अब ये बात करते हैं हम यूरिया की, अब यूरिया चेक करते हैं इसमें यूरिया का क्या हिसाब किताब है। ये देखिए यूरिया देखिएगा, तो यानी कि इसमें जो यूरिया है फ्रेंड्स उसके अंदर यूरिया नहीं है। आई मीन टू से गुड मिल्क की कलर है ये, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि ये जो मिल्क है यूरिया उसके अंदर जो उसका मतलब देखा जाए एज पर जो टेस्ट है वो ओके है। मतलब ये देखिए ये यूरिया का था तो ये फाइन है, और पीछे घंटी भरी है तो उसको थोड़ा इग्नोर करिएगा। अब ये बात करते हैं फ्रेंड, ये है, ये देखिए न्यूट्रलाइजर, अगला है न्यूट्रलाइजर। तो ये देखिए इससे जो कलर है वो मैच होता हुआ दिख रहा है, ये देखिए ना तो ये रेड है ना ये पिंक है, तो दैट्स मीन ये दिस इज फाइन, ये फाइन है, ओके है। तो ये भी टेस्ट पास हो गया इसका। और अब देखते हैं बोरिक, अब देखते हैं इसमें जो बोरिक है वो टेस्ट करते हैं, उसमें आइडिया लगेगा। थोड़ा सा जो पीछे आवाज आ रही है उसको इग्नोर करिएगा फ्रेंड। और ये देखिए बोरिक एसिड, तो ये येलो कलर दिखा रहा है, तो दैट्स मीन दिस इज फाइन, मतलब ये फाइन है टेस्ट के हिसाब से। अब हम देखते हैं स्टार्च टेस्ट, ये देखिएगा, अब इसको चेक करते हैं, इसको थोड़ा सा देखते हैं ऐसे करके फ्रेंड, थोड़ी सी जो घंटी है उसको इग्नोर करिएगा। ओवरऑल दिस सीम टू बी फाइन, मतलब जैसे कलर मिलता जुलता लग रहा है। टेस्ट किया अप्रोक्सीमेटली, मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो दिस सीम टू बी फाइन, कलर के हिसाब से अगर देखा जाए तो मुझे समहाउ ये ठीक लगा, ठीक है। तो आई होप यू विल डेफिनेटली लाइक दिस वीडियो, और अपना फीडबैक जरूर देना। पीछे बैकग्राउंड में कुछ म्यूजिक आ रहा हो या आवाज आ रही हो घंटी की तो प्लीज इग्नोर करिएगा, वीडियो मैं आप ही के लिए बना रहा हूँ, और काफी कोशिश करी मैंने अपनी तरफ से वीडियो बनाने की। आई होप यू विल डेफिनेटली लाइक दिस वीडियो, और हो सके तो अपने फैमिली के लिए आप टेस्ट किट जरूर बाय करिए, एटलीस्ट आपको बेसिक आइडिया रहेगा कि आपके घर में जो मिल्क का सोर्स आ रहा है वो कैसे आ रहा है। तो मैं एक काम करूंगा, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ना ये टेस्ट के लिंक जो भी किट्स हैं परचेज करने के वो मैं दे दूंगा, आप वहां पे भी जाके इसको परचेज कर सकते हैं, अमेजोन के ही लिंक होंगे, मैंने अमेजोन से ही मंगवाया था, तो आपकी हेल्प के लिए। आई होप यू विल डेफिनेटली लाइक दिस वीडियो। तो फिलहाल एनीवे मेरा जो पर्पज था टेस्ट करने का, तो मुझे ऑलमोस्ट तो दूध ठीक लग रहा है, मुझे कोई दिक्कत लगी नहीं, टेस्ट के हिसाब से परफेक्ट लगा। बाकी आप घर पे अपना दूध जो मिल्क आता है वो आप टेस्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।